नागरिक संशोधन एक्ट पर देश भर में मची घमासान और हुई हिंसा के बाद बीजेपी के केंद्रीय मंत्री से लेकर प्रदेश सरकार के मंत्री इस बिल के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए जन जागरण अभियान चला रहे हैं। इसी कड़ी में यमुनानगर में केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया पहुंचे और उन्होंने डोर टू डोर और बाजारों में इसके बारे सही जानकारी दी। कटारिया ने कहा कि कांग्रेस और उसके मित्र दल इस बिल को लेकर एक षड्यंत्र की तरह भ्रामक प्रचार कर लोगों को और विशेषकर मुस्लिम समाज को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष ने जिस तरह से राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ मिलकर इस कानून की आलोचना की है, सारे देश का वातावरण बिगाड़ने की कोशिश की है, उस दृष्टि से ये आवश्यक हो गया था कि जो इस बिल की सही तस्वीर है वो देश के आम नागरिक तक पहुंचाई जाए। इसलिए हम सब लोग आज अपना मंत्रालय छोड़कर इस बिल के बारे में जनता को बताने के लिए यहाँ यमुनानगर में आए। डोर टू डोर भी किया है, अब आगे संधाड़ी गांव में जा रहे हैं, वहाँ ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इसके बारे में बातचीत करेंगे। इसमें कटारिया दलित सांसद जो पाकिस्तान में रहा वो अभी हमारे कार्यक्रम में NDMC में दिल्ली के अंदर आया था, उसने जो उसके साथ बीती है, उसकी बेटियों के साथ बीती है, उसके परिवार के साथ बीती है, और जिस तरह के इन्होंने अत्याचार पाकिस्तान में उसके साथ हुए हैं उन सब के ऊपर उसने प्रकाश डाला है। उन सब चीजों को मद्देनजर रखते ही इस कानून को पास किया गया है, नागरिक संशोधन बिल पास किया गया है। इसके बारे में जो कांग्रेस ने षड्यंत्र रच के और उसके अंतरंग मित्र दलों ने जिस तरह से विशेषकर मुस्लिम समाज को भड़काने की कोशिश की है वो सही तस्वीर बताने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं, अन्यथा चुनाव अपनी जगह है, राष्ट्रवाद अपनी जगह है। यमुनानगर ब्यूरो रिपोर्ट, यस टीवी। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए यस टीवी।